श्रद्धा पानी का गिलास लेकर आई तो मुकुंद ने पानी का गिलास लेते हुए उसकी उंगलियों को बड़े अजीब तरीके से दबा दिया, जिससे श्रद्धा को तेज झटका लगा। वह हैरानी से मुकुंद की तरफ देखने लगी तो मुकुंद कहने लगा, क्या हो बेटी? श्रद्धा ने इनकार में सिर हिला दिया और वहां से भागकर रसोई में चली गई। उसे दौड़ते हुए देखकर उसकी माँ कुसुम कहने लगी, क्या हुआ श्रद्धा, अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, कॉलेज जाने लगी हो तुम, इतना उछल कूद क्यों मचाती रहती हो? श्रद्धा ने अपनी उखड़ी हुई सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना कि तुम्हारा यह नया पति मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। कुसुम गुस्से में बोली, श्रद्धा जरा तमीज से बात करो, वो तुम्हारे पिता है। श्रद्धा झुंझलाते हुए बोली, वो मेरे पिता नहीं है, सौतेले पिता है। मुझे कितनी बार लगता है कि वो मुझे गंदी नजरों से घूर रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उनसे डर लगता है। अगर तुम मुझे उससे बचाना चाहती हो तो या तो मुझे हॉस्टल में डाल दो या मेरे रहने का इंतजाम कहीं भी और कर दो। तुम घर पर नहीं होती हो, ऑफिस चली जाती हो और यह इंसान अपना काम धाम छोड़कर कभी भी घर पर आते जाते रहता है। कुसुम को गुस्सा आ गया, वह कहने लगी, अगर तुम्हारे सगे पिता होते तो क्या वह तुम्हें छूकर कभी प्यार नहीं करते? तुम्हारे मन में बस एक वहम बैठ गया है कि वह तुम्हारे सौतेले पिता है, इसलिए तुम्हें उनका छूना बुरा लगता है। मैं उनको कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुकुंद ने मेरे विधवा होने के बावजूद मेरा हाथ थामा है, तुम्हें पिता का नाम दिया है, हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद से मायके में मैं बस एक बोझ बनकर रह गई थी। वह तो मुझे मुकुंद का साथ मिला, उसने मेरी नौकरी लगवाई, मुझसे शादी की, तुम्हारा अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। कितने सारे सबूत दिखाऊं मैं उसकी अच्छाइयों के। माँ की बात सुनकर श्रद्धा खींच उठी और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी माँ उसकी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। कुसुम ने अपनी बेटी की बातों को हल्के में ले लिया था। वह सोचती थी कि उसकी बेटी को सौतेले पिता से सहज महसूस नहीं होता होगा, इसीलिए वह ऐसी बातें कर रही है। लेकिन एक बार उसे ऑफिस के काम से एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ गया। उसने घर की नौकरानी को कह दिया था कि वह रात में घर पर ही रुक जाए, क्योंकि श्रद्धा उस घर में अकेले रहने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। श्रद्धा के कहने पर घर की नौकरानी रमिया रात को घर पर ही रुक गई थी। रात को रमिया और श्रद्धा ने साथ बैठकर ही खाना खाया। मुकुंद पहले ही खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था। खाना खाने के बाद श्रद्धा और रमिया को गहरी नींद आने लगी, वह दोनों कमरे में जाकर सो गई। रमिया भी श्रद्धा के ही कमरे में एक अलग फोल्डिंग पलंग डालकर सोई हुई थी। अगली सुबह जब श्रद्धा सोकर उठी तो उसके कपड़े जरा अस्त व्यस्त से थे और उसके पेट के नीचे हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। उसका सिर भी भारी सा लग रहा था। उसने देखा कि रमिया अभी तक सोई हुई है। उसने रमिया को जगाया, रमिया भी अलसाई हुई सी उठी और घर के कामों में जुट गई। श्रद्धा के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसने अपने लिए चाय बनाई। चाय पीकर उसे थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। उसके बाद वह नहाने के लिए गई तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में जाने पर उसे पता चला कि उसके बदन पर अजीब तरीके के निशान थे। अब उसे लग रहा था कि जरूर उसके साथ कुछ न कुछ घटित हो चुका है। वह फूट फूट कर रोने लगी, उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। वह जल्दी से नहा कर बाहर आई और उसने अपनी माँ को फोन लगा दिया और रोते हुए कहने लगी, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। उसकी माँ की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। उसने कहा, बेटी मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। उसके बाद तो श्रद्धा ने अपने आप को अपने कमरे में बिल्कुल बंद कर लिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रात को तो वह दरवाजा बंद करके ही सोई थी, फिर यह सब कैसे हो गया और उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। रमिया भी कमरे में ही थी, उसे भी कुछ पता नहीं चल पाया। शाम को जब कुसुम घर आई तो श्रद्धा उससे लिपट कर फुट फुट कर रोने लगी और उसने रोते रोते उसे सारी बातें बता दी। अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद कुसुम को गहरा धक्का लगा, लेकिन वह सीधे सीधे मुकुंद पर उंगली भी नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ भी पूछने पर वह मुकर जाता। वह गहरी उलझन में पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी को वह कैसे दिलासा दे। आज उसे लग रहा था कि उसने दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। आज उसे अपने पहले पति नरेंद्र की बहुत याद आ रही थी। अगर आज वह इस दुनिया में होता तो वह कभी भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति में ना फंसी होती। उसकी आंखों से झर झर आंसू बहने लगे। वह बेटी को गले से लगाकर काफी देर तक रोती रही। रात को मुकुंद घर आया। खाना खाते हुए वह सामान्य होकर ही बातचीत कर रहा था, लेकिन आज श्रद्धा और कुसुम के लिए एक एक पल उस इंसान के साथ बिताना भारी होता जा रहा था। खाना खाने के बाद कुसुम रसोई समेट रही थी। रमिया आज जल्दी घर चली गई थी, क्योंकि कल रात को वो यहीं पर रुकी थी, इसलिए आज कुसुम ने उसे जल्दी छुट्टी दे दी थी। इधर श्रद्धा अपने कमरे में सिर पकड़ कर बैठी हुई थी, तभी मुकुंद उसके कमरे में आ गया। उसे देखते ही श्रद्धा हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई, लेकिन वह घबराई नहीं, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जब तक माँ घर में है तब तक यह इंसान उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। मुकुंद उसके पास आया और उसके कंधे को छूते हुए बोला, क्या हुआ श्रद्धा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ सुस्त सी लग रही हो। श्रद्धा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा,
तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं ठीक हूँ। मुकुंद धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो तुमसे दूर ही रहूंगा, मुझे भी तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन इतने नखरे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, यह देखो। इतना कहकर उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो चला दी जिसमें श्रद्धा किसी मर्द के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थी। यह देखकर श्रद्धा की आंखें चौड़ी हो गई, वह गुस्से से बोली, यह सब क्या है? मुकुंद कहने लगा, कुछ नहीं बेबी, कल रात को मेरा एक दोस्त घर आया था, अब तुम उसके सामने बेशर्म हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सुनो, कल रात जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें बार बार करना होगा। श्रद्धा रोते हुए कहने लगी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही, आप मुझे छोड़ दीजिए, यह सब मेरे साथ मत करिए, आखिर आपको ऐसा करके क्या मिलेगा? मुकुंद उसके गाल पर चिकोटी काटते हुए बोला, अरे बेटा तुम बहुत भोली हो, रुपए मिलेंगे और क्या, और तुम्हें भी यह काम मुफ्त में नहीं करना होगा, इसके बदले में मैं तुम्हें भी कमाई में से रुपए दूंगा, लेकिन अगर तुमने यह बात अपनी माँ को बताई तो फिर मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगा, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने। उसे धमका कर मुकुंद कमरे से बाहर चला गया। श्रद्धा धम से बिस्तर पर बैठ गई, वह गहरी चिंता में पड़ गई कि वह अपनी माँ को यह सब बताए या ना बताए। काफी देर तक सोचने के बाद वो उठ खड़ी हुई, तभी उसकी माँ उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई। कुसुम को देखते ही श्रद्धा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे रोते हुए देखकर कुसुम का कलेजा तड़प उठा और वो कहने लगी, देख बेटी, मेरे कारण ही आज तू इस मुसीबत में फंसी है, तेरे साथ जो भी गलत हुआ है वह मैं आगे से नहीं होने दूंगी, हम आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे, अब मुझे इससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। श्रद्धा रोते हुए बोली, लेकिन माँ, उस आदमी ने किसी और के साथ मेरी एक वीडियो बना ली है और वह कह रहा था कि। आगे के शब्द श्रद्धा के गले में ही खोकर रह गए। यह सब सुनते ही कुसुम के तो होश ही उड़ गए, वह अपना सिर पकड़कर वहीं अपनी बेटी के पास बैठ गई थी। मुकुंद को उसने क्या समझा था और वह कैसा इंसान निकला, श्रद्धा ने रोते रोते उसे सारी बातें बता दी थी। तभी मुकुंद की आवाज आई, अरे कुसुम, अब रात भर वहीं बैठी रहोगी क्या, यहाँ आओ मेरे पास। कुसुम अच्छे से जानती थी कि मुकुंद रात के इस प्रहर में उसे अपने पास क्यों बुला रहा है। उसने धीरे से कहा, आज श्रद्धा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज रात को यहीं सोऊंगी, तुम आराम से सो जाओ। मुकुंद झुंझला उठा लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अगली सुबह कुसुम नहा धोकर तैयार हुई, उसने श्रद्धा को भी तैयार होने के लिए कह दिया और वह दोनों कहीं बाहर चली गई। मुकुंद सोकर उठा तो दोनों ही घर पर नहीं थी। वह गुस्से में गुनगुनाने लगा कि पता नहीं यह माँ बेटी कहाँ घूमती रहती है, बहुत पर निकल आए हैं इन दोनों के पर तो मैं कतर कर रहूंगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। मुकुंद ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने श्रद्धा और कुसुम पुलिस के साथ खड़ी थी। पुलिस को देखते ही मुकुंद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। पुलिस ने आगे बढ़कर उसका मोबाइल जब्त कर लिया और इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी लगाते हुए कहा, बहुत शौक है तुम्हें औरतों की वीडियो बनाने का, अब चल बाकी की वीडियो जेल में बैठकर बनाना। मुकुंद के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि श्रद्धा में इतनी हिम्मत भी हो सकती है। वह कुसुम को जलती हुई नजरों से घूरते हुए बोला, यह तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कुसुम ने उसे एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, मैं केवल एक औरत नहीं हूँ, एक माँ भी हूँ, और अपनी संतान पर जब कोई भी मुसीबत आती है ना, तो एक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजरती है। भले ही एक पत्नी के रूप में मैं कमजोर हो सकती हूँ, लेकिन माँ के रूप में मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती। श्रद्धा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि आज उसकी माँ ने उसके अपराधी को सजा दिलवाई। वह माँ के गले से लिपट गई। मुकुंद के बयान के आधार पर उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस मुकुंद को लेकर चली गई और आज एक माँ ने साबित कर दिया था कि बच्चों पर मुसीबत आती है तो माँ उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।